दिए, लोगों ने विमान बना दिया तो ये तो इतिहास रच देंगे। इसलिए उन्होंने राइट ब्रदर्स को बुलाया। ये राइट ब्रदर्स साइकिल के मैकेनिक थे, पंचर जोड़ने वाले। इनको बुलाया और राइट ब्रदर्स से मीटिंग कराई। राइट ब्रदर्स की मीटिंग दलपदे जी से कराई। दलपदे जी भारतीय आदमी, बड़े भोले भाले, सीधे सच्चे। उनसे राइट ब्रदर्स, तो अंग्रेज लोग ना बड़े चालाक होते हैं और हम भारतीय लोग बड़े सीधे, तो उनने चालाकी से कहा ये कैसे बनाया, तो पूरी ड्राइंग इन्होंने समझ ली, कॉपी कर ली मस्तिष्क में, और कॉपी कर ली और उन्होंने उस पर काम किया। कुछ ही सालों में उन्होंने विमान बनाया, सफल लैंडिंग कर दी। 1903 में सफल लैंडिंग कर दी। खिताब उनके गले चला गया कि राइट ब्रदर्स ने बनाया, जबकि बनाया दलपदे जी ने था। चूंकि गुलाम थे हम अंग्रेजों के, तो हमारे देश का नाम उन्होंने होने नहीं दिया। ये बातें सब आज मिल रही हैं और बाकायदा प्रमाण के साथ लिखित एविडेंस पूरे मौजूद है, कोई हवा में लाठियां नहीं। तो विमान उसके पहले करदम जी ने बनाया था सतयुग में, कामक विमान। देवहूति माँ को, मनु जी की बेटी देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। इनकी 9 बेटियां हुई, श्री करदम जी महाराज की 9 बेटियां, जिनका विवाह, कला का विवाह मरीची से हुआ। किसी का गोत्र मरीची है तो वो मरीची ऋषि की संतान, ये मरीची। श्रद्धा का विवाह अंगिरा से, अनुसुईया का विवाह, अनुसुईया का विवाह अत्रि ऋषि। हविर्भू का पुलस्त जी से, गति का पुलह से, क्रिया का क्रतु से, ख्याति का भृगु से, अरुंधति माँ का वशिष्ठ जी से, और शांति का अथर्वा जी से। ऐसे मनु जी की, श्री करदम जी की 9 बेटियों का विवाह संपन्न हुआ। करदम जी बोले, देवी ये वाक्या तो अपनी पत्नी से बोले, गृहस्थ धर्म पूरा हो। मैया आप लोगों की जिम्मेदारियां कभी पूरी होंगी कि नहीं? मैया जा रही हो मेरी माँ, टाटा टाटा भी नहीं करती मेरी मैया। अच्छा बैठी हो, अच्छा बैठी मैया, कहाँ जा रही हो मेरी माँ? बैठ जा मैया। अच्छा बताओ आप लोगों की जिम्मेदारियां कब पूरी होंगी, तारीख जल्दी हमें नोट करा दो। गृहस्थ की जिम्मेदारियां कब पूरी होंगी? आपकी हो गई पूरी जिम्मेदारियां गृहस्थ की? आपकी हो गई? बेटे का विवाह हो गया? बेटी का भी हो गया? बेटी का विवाह नहीं हुआ अभी? हो गया तो आपकी जिम्मेदारियां पूरी। अब देखो बेटी का भी विवाह हो चुका है, बेटे का भी हो गया, अपने अपने घर में सब सुखी हो गए ना। अब आप बिल्कुल पूर्ण रूप से मन सबसे हटाओ, बची हुई आयु, बची हुई श्वासें भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। यही सबकी जिम्मेदारियां।